अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये डीवीडी प्लेयर है, एम्पलीफायर प्लेयर है, ठीक है, साथ में एम्पलीफायर है, डीवीडी प्लेयर है, तो फिलिप्स का है, ठीक है, ये फिलिप्स, ठीक है, अभी नोटिस पे है, ये इसकी पावर सप्लाई बोर्ड है, ये इसका मदर बोर्ड है, ये एम्पलीफायर बोर्ड है, ठीक है, ये एम्पलीफायर बोर्ड है। तो इसमें फॉल्ट क्या है कि ये डिस्क जो है वो ओपन नहीं करती, ठीक है, ना इन आउट या ना आउट होती है, ठीक है, इसमें ये फॉल्ट आ रहा है, ना ओपन ओपन नहीं करती, ठीक है, तो ना ओपन होती है ये ना इन होती है, ओपन लिखा जा चुका है लेकिन ना ओपन हो रही है ना इन होती है, ठीक है, ये इसमें अगर तो फ़र्ज़ करें आप बटन प्रेस करते हैं या फिर रिमोट से इसको ओपन क्लोज़ करते हैं, तो अगर आपकी वॉच पे क्लोज़ या ओपन लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि आपका डीवीडी वर्क कर रहा है लेकिन आपका जो डीवीडी प्लेयर है वो ओपन नहीं होता, ठीक है। तो जब ओपन ना हो तो इसमें कुछ फॉल्ट होते हैं, जब बेल्ट का फॉल्ट भी हो सकता है, जब बेल्ट लूज़ हो जाए या फिर टूट जाए, तो इस तरह की कंडीशन होती है। इसके अलावा इसके नीचे उन्होंने एक जैसे एक ग्रीस होती है इस तरह की, एक करीम लगी होती है, जब वो करीम सूख जाती है, सूख जाए तो फिर भी ये सम टाइम वो इन आउट नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा तीसरा फॉल्ट इसकी मोटर का आता है, मोटर भी सम टाइम इसकी ख़राब हो जाए तो फिर भी यही कंडीशन होती है कि ये इन आउट नहीं कर पाती। तो सबसे पहले तो हम इसकी मोटर का बेल्ट उतारेंगे, बेल्ट उतार के हम चेक कर लेंगे क्या वाकई इसकी मोटर ख़राब है या कुछ और फॉल्ट है, क्योंकि जब बेल्ट उतार देंगे तो लोड कम होगा, तो मोटर अगर वर्क करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है मोटर हमारी मोटर ख़राब है। जब बेल्ट होता है तो मोटर जो है वो ज़ोर लगता है तो मोटर रुक जाती है। तो बार सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो जी फ्रेंड, जो मैंने ओपन कर लिया, सबसे पहले हम इसके यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, अगर तो वोल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं तो ये देख सकते हैं 4.4 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है हमारी मोटर ख़राब है, वोल्ट हमें प्रॉपरली पूरे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो जी ये इसका मतलब ये होगा कि हमारी मोटर ख़राब है, यहाँ पे वोल्ट हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर वोल्ट ना मिले तो फिर बोर्ड में भी फॉल्ट हो सकता है, तो वोल्ट भी मिल रहे हैं, बेल्ट भी इसका मैंने चेक किया, बेल्ट भी इसका बिल्कुल ठीक है, जैसे देख सकते हैं बेल्ट भी नहीं टूटा हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल ओके है। तो अब हम इसकी मोटर रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है, इसकी मोटर जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। ये इसकी मोटर है, तो अब हम इसकी जगह पे ये इसकी मोटर जो है वो ये 5 वोल्ट की मोटर होती है, ठीक है, तो इसको इसकी जगह पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाली मोटर है, ठीक है, इसको ओपन करते हैं और आप बताते हैं, ठीक है जी, इसको कर लेते हैं, ये इसकी पहले वाली मोटर है, ठीक है, ये जो अब लगाई है इसको यहाँ पे, ये लगा दे, इसका बेल्ट जो है वो भी ऐड कर लेते हैं, जी अब हम इसको पावर देंगे, पावर देके अब इसको चेक करते हैं, ये मैंने पावर दे दी है, सेट हमारा ऑन हो चुका है,
ये ओपन हो गया, ठीक है, ये बंद हो गया। अगर रिमोट से करें तो फिर भी ओपन, ठीक है। तो इसमें जब फॉल्ट इस तरह का आता है तो या मोटर ख़राब होती है या फिर दो ही फॉल्ट आते हैं इसमें, या मोटर ख़राब होती है तो या इसका बेल्ट जो है वो टूट जाता है, ठीक है, या टूट जाता है या सम टाइम ऐसा भी होता है कभी लूज़ हो जाता है। जब लूज़ हो जाएगा तो फिर भी इन आउट नहीं करेगी, ठीक है, तो जब टूट जाएगा तो फिर भी यही फॉल्ट आएगा, प्रॉब्लम होगी, इन आउट नहीं करेगी, ठीक है। तो मोटर के चांस जो हैं वो कम होते हैं रिपेयर करने। मोटर जो है ये ठीक भी हो सकती है, अगर तो जल गई हो तो फिर ठीक नहीं, अगर उसकी स्पीड कम हो जाते जाए तो उसको